सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वाले। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में होंगे, प्रिकॉशंस ले रहे होंगे और इस बड़ी मुसीबत में सब एक दूसरे के साथ होंगे पर डिस्टेंस बना के। तो आज फादर्स डे और दुनिया के सारे फादर्स को मेरे तरफ से हैप्पी फादर्स डे। सो आज कुछ बड़ा वीडियो नहीं है, एक छोटा सा वीडियो है फादर्स डे पे जिसके ज़रिए हम फादर्स डे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा होता है कि माँ सारा प्यार इजहार कर लेती है, बेटा अपना सारा प्यार, बेटी अपनी सारा प्यार माँ को दिखा लेती है, लेकिन एक पिता वो बिना प्यार का इजहार किए बहुत कुछ करता है अपने अपने बच्चों के लिए। सो आज कुछ बड़ा वीडियो नहीं है, बस एक छोटा सा वीडियो है। एक्चुअली ये वीडियो भी नहीं है, एक तरह का मैसेज है उन सारे फादर्स के लिए जो कि बिना कुछ किए बिना कुछ कहे अपने बच्चों पर प्यार लुटाते हैं, भले वो कैसे भी हो, कभी समझा कर, कभी डांट कर, कभी मार कर, पर उनका प्यार दिखाने का तरीका बहुत अलग होता है, लेकिन उनका बस एक ही मकसद होता है कि उनके बच्चे सही से रहें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करते रहें। तो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि एक्चुअली आज ही के दिन वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज ही पोस्ट करना है, तो बस एक छोटा सा लाइन मैंने लिखा था तो मैं वो बोलना चाहता हूँ। राह मुश्किल है पर उस राह पे चलना आपने सिखाया, दो पन्नों में ज़िंदगी सिमट जाती पर उसे किताब आपने बनाया, डांट लगाकर, गुस्सा दिखाकर, प्यार की मार लगाकर आपने कुछ बनना सिखाया। यूं तो आपके लिए कुछ शब्द कहना या करना भी कम है, पर मुझे मालूम है आपके आधा भी बन जाऊं तो ये ज़िंदगी सफल है। हैप्पी फादर्स डे। तो ये मैंने छोटा सा एक कुछ लिखा था, तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया हो। तो मेरे पास आप सभी लोगों के लिए कुछ है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ स्कूलमेट्स हैं जिनके वीडियोस हैं जिसमें वो अपने पापा को इजहार कर रहे हैं कि वो उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना मुझे, चलिए देखते हैं वीडियो। सो अब मैं अपने फादर को विश करने जा रही हूँ, यानी अपने पापा को, देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। वैसे तो मुझे पता है उनका रिएक्शन क्या होने वाला है, कहीं डांट पड़ गई तो। हैप्पी फादर्स डे, ये कब था रखा जी? हेलो हेलो, हाँ पापा क्या कर रहे हैं? अच्छा, हमको ये बोलना था कि थैंक यू हर एक चीज़ के लिए जो आप हम लोग को देते हैं, और हैप्पी फादर्स डे। ठीक है, हेलो काकू, हैप्पी फादर्स डे। इतने दिन में आपने जो भी किया मेरे लिए, तो सारी चीज के लिए थैंक यू। खुश तो है ही। बाय। हेलो पापा, आपने मेरे लिए जितना भी कुछ करा है उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू एंड हैप्पी फादर्स डे। वेलकम वेलकम। हेलो हेलो, बोलो। हाँ पापा, बोला था। हाँ, बोले कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, अभी तक जो भी किए हैं, हैप्पी फादर्स डे टू यू। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, चलो घर आके हम बात
सो गाइज, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। और ये कोई एक वीडियो नहीं था, मतलब वीडियो था ज़रूर था, लेकिन ये कोई ऐसा एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं था, बस एक छोटा सा मैसेज था, बस एक इमोशनल वीडियो था, जिससे उन सारे फादर्स को बहुत 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 शुक्रिया कर सकूं, क्योंकि आज ये इस दुनिया में जो भी है, जैसा भी है, माँ का जितना बड़ा रोल है उतना ही बड़ा पिता का भी रोल होता है। तो एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि हैप्पी फादर्स डे सभी फादर्स को। सो थैंक यू वेरी मच। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें ना, कमेंट दें, विशेस दें अपने अपने फादर्स को, और प्लीज़ शेयर भी करें, और हमारा न्यू चैनल है तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। चलिए मिलते हैं अगले ही ब्लॉग में, यानी कि ट्यूसडे। और हाँ हाँ, हमारा वीडियो ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे आता है, सो देखना ना भूले, हर शाम 5 बजे आएगी। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन तो ज़रूर दबा लें, क्योंकि उनसे ही पता चलेगा कि आपको हमारा वीडियो आ रहा है। सो गाइस, हैप्पी फादर्स डे फिर से, बाय।